नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। लोकसभा चुनाव के ऐलान होने के बाद से ही देश में विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है और देश की सभी विपक्षी पार्टियां जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हमला कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की वो चार योजनाएं हम बता रहे हैं जो देश की जनता को मुस्कुराने का मौका दे रहा है। देश मोदी सरकार और मोदी के जयकारे लगा रहा है। आज हम मोदी सरकार की चार बड़ी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मोदी सरकार की चार बड़ी उपलब्धियां: सहज बिजली हर घर योजना, 18,000 से अधिक गांव तक बिजली पहुंचाने की योजना, 31 मार्च 2019 तक योजना पूरा करने का लक्ष्य, 500 रुपए में बिजली कनेक्शन 10 किश्तों में जमा करा सकेंगे, 16,000 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान। आर्थिक विश्लेषकों की माने तो इससे भारत के जिन गांवों में योजना पहुंची है वहां जनता की खुशियां देखने लायक है और आजादी के बाद से अभी तक अंधेरे में जो गांव थे वो अब मोदी की वजह से रोशन हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन मोदी सरकार की ये दूसरी बड़ी योजना है। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सरकार का दावा, 2,57,259 गांव के खुले में शौच से मुक्त होने का दावा, शहरी इलाके में 1.04 करोड़ शौचालय, 5.08 लाख सामुदायिक शौचालय बनाने का लक्ष्य 2019 तक, 1.96 लाख करोड़ रुपए योजना पर अनुमानित खर्च। उज्ज्वला योजना मोदी सरकार की तीसरी बड़ी योजना। 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत। ये योजना भी मोदी सरकार की बड़ी योजनाओं में से एक। इसमें बीपीएल परिवार को 1600 रुपए की सहायता दी जाती है। इस योजना से अभी तक 4 करोड़ परिवार को मिला लाभ, 8 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना मोदी सरकार की चौथी बड़ी योजना। योजना का नाम राष्ट्रीय बचत योजना। 1 अप्रैल 2018 से योजना लागू। गरीब परिवारों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना। 1,354 पैकेज शामिल किए। इलाज की दरें CGHS से 15-20% सस्ती। इन सभी योजनाओं की सफलता से ये बात कही जा सकती है कि मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में देश और देश की जनता के हित में काम किए और मोदी की वजह से आज देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार की योजना से देश की जनता को लाभ मिल रहा है और जनता को इससे फायदा हो रहा है। कभी कभी ये हमारे देश के भी कुछ बड़े बुद्धिमान लोग जो चर्चा करते हैं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि उनको हो क्या गया है। आखिर पाकिस्तान बालाकोट की घटना, उसके बाद भी उसके तो अभी भी उनके एयर स्पेस शायद अब खोलना शुरू किया है, 1.5 महीना हो गया। अब उनको लगा है शायद मोदी चुनाव में बिजी हो गया है तो शायद कुछ करेगा नहीं, मेरे लिए चुनाव प्रायोरिटी नहीं है जी, देश प्रायोरिटी है। देखिए पाकिस्तान की बड़ी मुसीबत है, पाकिस्तान की बड़ी मुसीबत है कि अगर वो कहे हां बालाकोट में कुछ हुआ था तो इसका मतलब स्वीकार करना पड़ेगा उनको कि हां टेररिस्टों का कैंप चलता था। आज तक वो दुनिया को कहते आए हैं कि हमारे यहां कुछ नहीं है, हमने ऐसी जगह पे वार कर दिया कि अब उनको उसको छुपाए छुपा रहना ही बनता नहीं है। आपने देखा हो 1.5 महीना हो गया किसी को जाने नहीं देते और हमें कुछ लोग बताते हैं कि फिर से उस सारे इलाके को रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और उसको एक ऐसा रूप दिया जा रहा है वहां बच्चों का स्कूल चल रहा है ताकि दुनिया को ले जाकर के दिखाया जाए कि वहां कभी टेररिस्ट कैंप था ही नहीं। लेकिन अब ऐसी जगह पे वार हुआ है, इसके कारण ये सिद्ध हो चुका है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप चलते थे।
और इसी ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशानी कितने लोग मरे उससे नहीं है, वो तो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देते हैं, उनके परेशानी इस बात की है कि इससे थप्पा पक्का लग रहा है कि टेररिस्टों का कैंप यहां चलता था। और दुर्भाग्य है कि हमारे देश के मोदी को गाली देने में जो उत्साही लोग हैं वो वहां पाकिस्तान की अपने बयानों से मदद कर रहे हैं। मेरे दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन, आशंका या डिलेमा नहीं है और इसका पूर्ण श्रेय जाता है आपको। आपने जिस प्रकार यूथ को एम्पावर किया है, मोटिवेट किया है, इससे हमारे समक्ष एक रास्ता खुल गया है अपने भविष्य को लेकर के। मैं नमो ऐप को नियमित रूप से प्रयोग करती हूँ और जब मैं भी चौकीदार इवेंट के लिए रजिस्टर किया था तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज आपके समक्ष खड़े होकर मुझे प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। और इसके लिए, इस व्यवस्था के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज एक आम नागरिक भी अपने प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी आप जीतेंगे और इस बार जब आप शपथ लेंगे तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी हम चौकीदारों से क्या अपेक्षा है, आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने एक सामान्य नागरिक के दिल की बात को बोला है और आपने बड़े विश्वास से कहा है कि देश की जनता फिर से एक बार देश की सेवा करने का मौका हमें देने वाली है। मुझे खुशी है कि हमारे देश के युवा दूर का देखते हैं। हम राजनेता तो अभी 1 तारीख को 11 तारीख को पोलिंग होगा तब क्या होगा, 21 तारीख को पोलिंग होगा तो क्या होगा, उसी में दिल लगे पड़े हैं। आप शपथ का सोच रही हैं। ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास, इसकी अपनी एक ताकत होती है और इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इन सब के ओर से सामान्य जनता से जो आपने सुना है, मेट्रो में जाते आते लोगों से बात की, उसके आधार पर आपने कहा है। जब मैं शपथ लूंगा वो शपथ अकेला मोदी नहीं लेने वाला है, एक सौ तीस करोड़ हिंदुस्तानी लेने वाले हैं। और सबसे बड़ा शपथ होता है हम अधिकार और कर्तव्य को संतुलित करेंगे, हम अपने अधिकारों के लिए जागृत होंगे ही होंगे लेकिन अपने कर्तव्य में कभी भी कोताही नहीं बरतेंगे। एक टीचर अपना कर्तव्य निभाता है तो विद्यार्थी का और देश का भविष्य बदल जाता है। एक पुलिस वाला अपना कर्तव्य निभाता है तो समस्याओं का समाधान अपने आप होने लगता है। और उस अर्थ में हमारे देश में पिछले 5 साल जो मुझे सफलता मिली है उसका मूल कारण जन भागीदारी है। कोई कल्पना कर सकता है कि आज स्वच्छता ये आंदोलन मोदी का नहीं, 125 करोड़ देशवासियों का बन गया। और ये हब आप चौकीदार बने तभी हुआ है और ये बिना शपथ लिए हुआ है। अगर इस बार आप शपथ लेके करोगे तो पता नहीं परिणाम कितना बड़ा आएगा।
हर व्यक्ति के अपने सपने होते हैं और होने भी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन हम तय करें कि सबसे ऊपर देश। आप देखिए, सारी समस्याओं का समाधान हम खुद ही अपना आप निकाल देंगे।